Now question number 2. The following numbers are obviously not perfect square. Give reason. Question says कि जो ये नंबर दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इसका रीजन बताना है। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी ये चीज क्लियर की थी, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 इससे एंड होते हैं। जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो 0, 1, 4, 5, 6 से एंडिंग होती है उनकी, मतलब जो उनकी यूनिट प्लेस है उसमें या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और 0 में भी हमेशा जो 0 है वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए मतलब या तो 2 जीरोस हो या 4 जीरोस हो या 6 जीरोस हो, जो जीरोस हैं वो हमेशा इवन नंबर में हो, तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। हम क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 1057। तो देखिए, इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 7। तो 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 से एंडिंग होते हैं और उसमें 7 नहीं आता है। So it is not a perfect square. तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? Since perfect square number contain their unit place digit वन फोर फाइव सिक्स नाइन एंड इवन नंबर्स 0, क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3, 4, 5, 3। देखिए, इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 3। और मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं हमारे, जो 0, 1, 4, 5, 6 से जिनकी एंडिंग होती है। तो इसका भी हमारा रीजन आ जाएगा, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट डिजिट भी 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर 0। सो 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9, 2, 8। हमने क्या बोला था? जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो किससे एंडिंग करते हैं? 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर 0। सो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है वो है 8। सो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स their units place digit 1, 4, 5, 6, 9 and even numbers 0. Therefore,
7928 is not perfect square because its units place be eight. Question number 4. 6 times 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2. So it is also not a perfect square. क्यों? क्योंकि जो perfect square होता है, उसकी यूनिट प्लेस या तो 1 से एंड होती है, या 4, 5, 6, 9, या even number 0 से ending होती है. So, since perfect square number contains their units place digit 1, 4, 5, 6, 9 and even number 0. Therefore, two is not a perfect square. Because its unit digit be 2. Question number 5. 6, 4, 0, 0, 0. देखिए इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 0. मैंने आपसे कहा था कि 0 परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन जब वो इवन नंबर्स में हो. यहाँ पे कितने जीरोज है? 3. और 3 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 0 जो है वो हमेशा इवन नंबर्स में होंगे. जैसे कि या तो 2 जीरो हो, या 4 जीरो हो, या 6 जीरो हो, मतलब इवन नंबर्स में 0 हो. तो इसका रीजन हो जाएगा, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन its place digit be 1, 4, 5, 6, 9 and even number 0. Therefore, six four triple zero is not perfect square. Because its unit digit is single zero. Question number 6. 8, 9, 7, 2, 2. तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2. मैंने आपको बताया ही था कि परफेक्ट स्क्वायर किससे एंड होगा,
हमने पहले ही देखा है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है उसकी यूनिट प्लेस डिजिट या तो 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी या इवन नंबर 0 होगी, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट तो 2 है। तो इसका रीजन हो जाएगा सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट्स प्लेस डिजिट बी वन फोर फाइव सिक्स नाइन एंड इवन नंबर जीरो। Therefore, 89722 is not perfect square. Because its unit digit is 2. Question number 7. 2 or 3 times 0. ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, सिंगल जीरो है। सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट्स प्लेस डिजिट B 1 4 5 6 9 and even number 0. Therefore, triple 2 triple 0 is not perfect square. Because its unit digit is single zero. Question number 8. 505050. यहाँ पे भी यूनिट डिजिट हमारी क्या है, सिंगल जीरो। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनकी यूनिट प्लेस डिजिट है 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर 0, और यहाँ पे तो सिंगल जीरो है। सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट्स प्लेस डिजिट बी 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर जीरो। देयरफॉर 505050 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज सिंगल जीरो।